तो तो आएगा ना ना पूछेगा बताएंगे हम लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी कह रहे हैं कि सब घर घर गया है पूछा है नहीं गया है, तो आप बोलिए हमसे तो कहाँ आया अभी तक तो, हम लोग तो यहीं पे तो है, उसके घर के, है, है। उसके घर हैं उसका घर के पीछे पानी देवे न रहा तो आपको पानी कैसे मिलेगा बिहार ने बिहार ने तो दुनिया हो रहे है काफी हो रहे है वोट पर रहले हैं हां वोट पर रहले हैं केकरा आपकी वोट देबा लालू यादव के देबे आप केकरा देबे आ तो लालू यादव पानी दे देल थुन हम लोग फिरोज में बखो है कोई देखनिया ना एकनी नीतीश हाँ। ना मोदीया ना लालूआ हाँ। कोई नहीं देखने को आप इज्जत से बात करिए लालू जी कोई बोल रहे तो इज्जत से कब बात करे हाँ। देखने रहता था आज हम लोग आज तीस चालीस बरस ऐसी जब आता है तब वोल्टेज लगा के मारता फिरता हटा देता हटा हाँ। देता है पेपर पे टिक करवाया होगा भूल रही है नहीं कोई नहीं आया कभी नहीं आया है कोई नहीं आया ना कोई नहीं कब आया

मुसलमान है मुसलमान में बखो का जाति छिपाया जा रहा है कि जात गिनने घर घर नहीं गया तो सही कह रहा है बात सही कह रहा है अभी नहीं किया था अभी नहीं किया है चले देखिए हाँ। लेकिन जातिक नहीं पूछा गया है हाँ, सिर्फ नाम लिख कर ले गया है दो लाख से तीन लाख तक जाए लेकिन यहाँ आ रहा है करीबन हम लोग का बत्तीस सौ तैतीस सौ क्यूँ आ रहा है भाई हाँ हजार लोग तो यही नहीं तो पाँच हजार यहाँ पाँच हजार क्या है आप दस हजार आदमी है यहाँ आना चाहिए था तो उसका प्रूफ लेना चाहिए कि ये बक्को है ये शेख है ये सैयद है ये जोलहा है ये दुनिया है हम खड़े हैं उस बस्ती को एक तरीके से कह सकते हैं पटना का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और कब कर, तक तकरीबन पचास हजार लोग जो है यहाँ पे रहते हैं ये हम नहीं कह रहे हैं ये एक डेटा जो है वो गूगल पे प्रोवाइड कराया गया है पूरा खबर आप सुनिएगा आगे तो जान जाइएगा उससे पहले नमस्कार आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय देखिए बिहार में जातीय गणना होता है जातीय आधारित सर्वेक्षण होता है तमाम जो लोग होते हैं वो घर घर जाते हैं पूछते हैं जिस प्रकार से हम पूछेंगे उसी प्रकार का वो भी कुछ पूछेंगे पूछते हैं लेकिन थोड़ा अंतर हो सकता है करीबन पाँच सौ करोड़ जो है उसका खर्चा आता है जातीय गणना का चलिए देखिए भोजपुरी कहेंगे बेना हाक रही हैं चाची क्या नाम हुआ है कि नाम पूछते हैं नाम ने पूछा हम चला ये बतावा कि जात पूछा है तो आया था कोई ना ना कौन जात के हैं कौन जात रहेंगे बखो हैं नहीं है बखो हैं अच्छा बखो मुसलमान अच्छा जात पूछने नहीं आया है लोग ना कोई नहीं अच्छा चलिए देखिए यहाँ यहाँ जात पूछने नहीं है देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे जानते हैं कि क्या नाम है देखिए क्या नाम है आपका मोहम्मद फुलवा बक्खो अच्छा ये बताइए जात पूछने लोग आया है आपसे कि अच्छा बताइए कौन कौन जात के हैं आप हाँ आय था एक आदमी एक आदमी आया था जातने क्या बोलता है मीडिया मीडिया वाला वाला था जात थोड़ी पूछता है जी जाती आधारित जो जनगणना हुआ है जिसमें अधिकारी लोग आया होगा पेपर लिया होगा टिक मार रहा होगा नहीं नहीं सब आया था पूछने के लिए नहीं आया था नहीं, नहीं।, नहीं बहुत सारा जो सुविधा है ना जात के आधारित पे मिलने जा रहा है अब जिसकी जितनी भागीदारी है जिसकी उतनी ही हिस्सेदारी होगी तो आप लोग से जात नहीं पूछा तो जो आप लोग को फिर फायदा भी नहीं होगा तो आया था न पूछेगा तो ना बताएंगे हम लोग नीतीश कुमार और तेजस्वी कह रहे हैं कि सब घर घर गया है पूछा है नहीं गया है, तो आप बोलिए हमसे तो कहाँ आया अभी तक तो, हम लोग तो यहीं पे तो हैं उसके घर नहीं आया है उसके घर तो के पीछे हम लोग हैं उसका आवास के पीछे हम लोग को आया नहीं अभी तक तो। चलिए देखिए हम नहीं बता रहे थे यही बता दिए यानी कि आरजेडी ऑफिस के पीछे का ये बस्ती है और दिखा दे रहे हैं आपको क्योंकि वीर चंद पटेल पथ है और यहाँ पे सामने जदयू कार्यालय भी है सामने आर कार्यालय भी है तमाम ये बस्ती है और कम से कम कितने लोग यहाँ पे रखते हैं पूरे बस्ती कितने लोग रहते हैं पूरे बस्ती में से ज़्यादा है गूगल पचास हजार बताया जी गूगल पर तो झूठ भी बोलते चलिए ठीक है, है मान लिए झूठ बोल रहे पांच हजार लोग रहता है मान लिए लेकिन एक बात बताइए जात पूछने आया था कोई कि कौन जात से है आप नहीं अभी तक तो, तो कोई नहीं पूछने आया कोई पूछने नहीं आया तो क्या कैसे जात कौन जात के है कौन जाति का भी तो कोई पूछना रहा खाली कहता है कि बस मुसलमान है यादव का समीकरण ज्यादा हो चुका है हाँ. ये जाति का कोई ना कि कौन जाति का समीकरण कितना है जो समझे ना मुसलमान है आप हाँ. मुसलमान है मुसलमान में बक्खो का जाति छिपाया जा रहा है हाँ. फिर उसके बाद मलिक का जी छिपाया जा रहा है अंसारी का भी छिपाया जा रहा है हुँ. बहुत ऐसा जाति को छिपाया जा रहा है चलिए देखिये पांच हजार घरों में तो हम नहीं जा पाएंगे लेकिन हाँ दस बीस घरों में हम जरूर जाएंगे चाचा से पूछ लेते हैं क्या जात का कोई बखो है कोई बक्खो है अरे काहे नहीं जात गिनने जी आया सब जो कह रहा है नीतीश कुमार लोग की जात गिनने आया है कोई नहीं गिनने आया ना, है ना। तो मान लीजिए भाजपा वाला या लोजपा वाला चाहे कोई भी पार्टी जो है वो कह रहा है कि जात गिनने घर घर नहीं गया तो सही कह रहा है बात सही कह रहा है अभी नहीं किया है चले देखिए ये घर है हम दिखा रहे हैं आपको और लोग कह रहा है कि जात गिनने लोग जरूर जा रहा है हम आपको कुछ दिखाते देखिए यहाँ पे तमाम ये बस्ती है और ये बस्ती है कहाँ आरजेडी कार्यालय के पीछे ही है और इस बस्ती में कोई जात गिनने वाला जो कास्ट सेंसेक्स सर्वे हो रहा था कोई आया ही नहीं है चाची कौन जात हम लोग फिरोज में बक्खो को ना आयानी नीतीश न मोदिया हाँ। न ललुआ हाँ। कोई नहीं देखने जी जी को आप इज्जत से बात करिए लालू जी बोल देखने हाँ। रहता था आज हम लोग आज चालीस बरस ऐसी जब आता है तब वोल्टेज लगा के मारता पीटता हटा देता हटा देता है हाँ। 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 चलिए वो तो नगर निगम का कार्य होता है हटा देता है ठीक है लालू तेजस्वी कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ बोल सकते हैं एक बात बताइए लोग कह रहे हैं की जाती गिनने आया था लोग कि कौन जात कितना है पूरे प्रदेश में जात गिना फिरोज में को है, तो हम लोग कहाँ हम लोग को देखता है कोई आया था आपसे पूछने की कोई चाची कौन कोई पेपर नहीं पे टिक करवाया होगा भूल रही हैं नहीं कोई नहीं आया कभी नहीं आया है कोई नहीं आया ना कोई नहीं, ना, कोई नहीं। ओ, कब आया देखने कोई यहाँ पूछे वाला ये देखना है ये नहीं है ना हुआ लेकिन जातिक नहीं पूछा गया है सिर्फ नाम लिख कर ले गया क्या नाम है तो फलना है क्या नाम है तो फलना पासमान है तो क्या नाम है फलना आप लोग तो कह रहे हैं कि आपके मोहल्ला में आया भी नहीं जैसे हमको जानकारी किस मोहल्ला में बहुत पहले आया भी नहीं है चलिए देखिए आप इधर भी औ, बहुत और, बहुत लोगों आप हम, और लोगों से बातचीत करेंगे हम कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने की कि भाई उनके घरों में जाति गिनने यानी कि जो जात गिनने वाला सिस्टम है बिहार में वो हुआ है कि नहीं हुआ है यानी कि जातीय जनगणना हुआ है कि नहीं जातीय जनगणना हुआ है भैया कोई जात पूछ जात पूछने आपसे कौन पूछा है जात पता नहीं कोई आया था रहे, मीडिया वाला ही खाली आया था और कोई आया ही नहीं था पता कुछ कागज उगज पे आपका सिग्नेचर हुआ है आपका <laughs> नहीं हुआ है चले देखिए भैया अभी कंफर्म पता नहीं है इनको सिग्नेचर उग्नेचर कुछ नहीं हुआ है और लोगों से भी बातचीत कर लेंगे देखते हैं यहाँ भी लोग हैं और भी वहा लोग हैं और लोग कह रहे हैं कि जातीय सर्वेक्षण जो हुआ है पूरे बिहार प्रदेश में जात गिना ही नहीं गया है अब चलिए देखिए यहां भी कुछ लोग हैं इनसे बात करते हैं मैम जात गिनने लोग आया था क्या इधर जातीय सर्वेक्षण हुआ है हुआ अच्छा यहाँ पे हुआ है जातीय सर्वेक्षण लेकिन लोग तो कह रहे हैं जातीय सर्वेक्षण नहीं हुआ अभी है। ये नहीं जानते हम तो यहाँ आ... पेपर पे साइन की थी आप नहीं नहीं, नहीं। तो कैसे कर रहे है कि हुआ है? हम यहाँ रहते ही नहीं अच्छा, आप यहां नहीं रहते नहीं। नहीं रहते फुलवारी अच्छा, पे हुआ है जी हाँ उधर हुआ हुआ है वहाँ पे फुलवारी शरीफ में हुआ है देखिये कुछ भैया लोग यहाँ है बैठे हुए इन लोगों से भी जानने का कोशिश करेंगे क्या भैया मोहल्ला में जात गिनने कोई आया था कि कितना जातीय सर्वेक्षण हुआ है लोगों को मिल रहा है उसका फायदा। बुरा सुरा बताएगा चलिए देखिए बुरा सुरा बताएगा जवान लोग पीछे रह जाते हैं इसीलिए मोहल्ला भी पीछे रह जाता है चलिए देखिए इधर भी कुछ लोग हैं इनसे ही बात कर लेते हैं लोगों तो से बातचीत कर लेंगे कि भाई क्या उनके उनका लोग जात उत गिनने आया है कि नहीं आया है चलिए देखिए यहाँ पे एक महिला है बताइए ना नहीं सिग्नेचर की थी, थी तो कागज पे नहीं अरे उससे ना, मिलेगा कुछ न बोलेंगे जाए जाए नहीं बोलिएगा चलिए देखिए नहीं बोलेंगे और लोगो ऐसी पूछ लेते हैं घर में लोग जा रहा है लोग नहीं बोलना चाह रहे किसको बताइए पानी देवे न कर प्यार में जात गिना रहा है आपको पानी कैसे मिलेगा बिहार ने बिहार में तो दुनिया ने दम हो रहे है काची हो रहे है वोट पर हाँ वोट पर रहे हैं है। ककड़ा की वोट देव लालू यादव के देवी लालू यादव पानी दे दिलथुन दे पानी ना पानी वोट को की ना आग चला चल देखा ये चाची लालू जी देख लीजिएगा आप भी वीडियो क्या अंकल बताइए इसमें जात गिनने लोग आया था क्या जातीय सर्वेक्षण आया था तो हम लोग बक्खो जात के अलग है हाँ, सारी बिहार में पूरी बिहार में हम लोग का बक्खो का और हमने लोग के आबादी होना चाहिए बक्खो जात का आबादी होना चाहिए कम से कम तो दो लाख से ऊपर समझे दो लाख से तीन लाख तब जाए लेकिन यहाँ आ रहा है करीबन हम लोग का बत्तीस सौ तैतीस सौ क्यों आ रहा है भाई 32, 33, हाँ लोग तो यही नहीं तो पाँच हजार यहाँ पाँच हजार क्या है अब दस हजार आदमी है यहाँ हाँ। लेकिन हम लोग बच्चों बक्खो जात के हम लोग बढ़िया से जनगणना नहीं आ रहा है जाति ना होना चाहिए भाई वहाँ जब स्टार्टिंग में हम गए वहाँ पे एकदम शुरुआत में लोग तो वहीं से इंटर भी किए होंगे आए भी होंगे वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास गिनने ही नहीं है हम लोग कोई सिग्नेचर नहीं हुआ है कोई भरा नहीं गया है कुछ नहीं वैसा कुछ नहीं किया भैया कुछ नहीं किया है नहीं तो तो आना चाहिए तो उसका प्रूफ लेना चाहिए कि ये बक्को है ये शेख है ये सैयद है ये जोलहा है दुनिया है अलग अलग टाइटल मिलना है, चाहिए कौन है? पैठान है हाँ। कौन मोले ज्यादा है कौन शेख है कौन सैयद है तब ना आकमारी हाँ हो रहा है वही तो हम लोग का जात इतना है कि आखिर हम लोग बखो जाते तो हम लोग को कुछ मिलना चाहिए हम आक आक लोग, लोग के कि मुसलमान का सत्रह परसेंट है मतलब करीबन अठारह परसेंट है तो मुसलमान का जात कहाँ होता है जात नहीं होता है हम लोग, लोग का सब के अलग जात होता है अलग जात होता है सब अलग में अलग जात होता है आपका हिंदू में भी होता है लेकिन मुसलमान में भी शेख है सैयद है जोला है पैठान है दुनिया है बक्को है ये सब को अलग अलग मिलना चाहिए तभी ना क्या हम लोग उठ भी सकते हैं कभी कदाल के हमारे भविष्य में बच्चे लोग के हुँ। उठेगा हुँ। तो कभी कभी सीट लाएगा तभी ना उठेगा अच्छा तो क्या लालू जी पे भरोसा है तेजस्वी जी पे अब देखिए अभी हम किसी पर नहीं बोल सकते हाँ। अभी उनको बोल दें उनको अच्छा कह दें इनको खराब कर नहीं अभी जब होगा तो देखा जाएगा आप लोग खुद मीडिया चुनाव है तो में चुनाव है आ, तो चुनाव है अभी ये नहीं कर नहीं कर रहे कि नहीं कर नहीं। जिस पर मन ढलेगा उस पर हम कर देंगे चलिए देखिए जिस पे मन ढलेगा उस पर कर देंगे ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक स्लम एरिया यानी कि कमला नेहरू नगर है मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो लोग है वो यहाँ रहते हैं करीबन गूगल पे जो आंकड़ा है वो पचास हजार है कुछ लोग पांच हजार कह रहे हैं कुछ लोग दस हजार कह रहे हैं और एक मुस्लिम समुदाय जो है उसकी जाति बखोल जो जाति है उसके प्रमुख तौर पे यहाँ लोग रहते हैं और उसकी जाति का जो जात गिनने वाले जो लोग हैं यानी कि जो लोग आए हुए थे कास्ट सेंसेक्स करने वो लोग यहाँ पर नहीं आए और यहाँ नहीं आए तो इनका जात नहीं गिना गया है चलिए देखिए ये खबर हम आपको बता रहे थे पटना से फिलहाल आप क्या सोचते हैं आपके घर पे कोई जात गिनने गया है कि नहीं गया है क्या जात गिनने से बिहार विकसित हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप देख रहे थे जनता जंक्शन धन्यवाद